लड्डू सिंह जी। हेलो शिवा, कैसे हो? लड्डू सिंह जी, ये क्या हो रहा है? यहाँ इंटरनेशनल पेंटिंग एग्जीबिशन है। दुनिया के बड़े बड़े पेंटर्स की पेंटिंग यहाँ दिखाई जाएंगी। ये पेंटिंग जो मेरे हाथ में है ना, इसे देख रहे हो? इसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ रुपए होगी। वाह, ये पेंटिंग भी बहुत अच्छी है। ओके शिवा, मैं इसे किसी को दे दूं, फिर बात करते हैं। ओ नो, लड्डू सिंह जी, इसमें स्क्रैच आ गया है। ये पेंटिंग खराब हो गई। देखूं तो, अरे ये तो पहले से ही था। मैंने सब पेंटिंग्स चेक की थी और ऑर्गेनाइजर्स को बता दिया था कि इसमें स्क्रैच है, सो डोंट वरी। ओके लड्डू सिंह जी, बाय बाय। कल एग्जीबिशन है, तुम सब आना। ओके लड्डू सिंह जी, चलो अभी चल के देखते हैं ना। अभी तो पेंटिंग अंदर लगाई जा रही है। सब पेंटिंग लग गई हैं। पेड़ा राम जी, डोर खोलिए ना, हमें पेंटिंग्स देखनी है। ये लंगूर। मेरी टोपी। लड्डू सिंह जी, वो देखिए, लंगूर लोग पेंटिंग लेकर भाग रहे हैं। ओ नो, मेरी नौकरी कहीं। शिवा, पकड़ो उन्हें। शरारती लंगूर थे, लेकिन वो पेंटिंग क्यों ले गए? शिवा, कहाँ है वो लंगूर? हाँ, सॉरी लड्डू सिंह जी, वो आपकी पेंटिंग्स लेकर भाग गए। नहीं 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 नहीं, वो खाली ट्यूब लेकर भागे हैं। मैंने चेक किया है, कोई भी पेंटिंग मिसिंग नहीं है। नो शिवा, बेकार ही तुमने इतनी मेहनत की। चलो अभी चल के देखते हैं। अब्बा डब्बा चब्बा, तुमने भी बहुत अच्छा काम किया। तुमने उन लोगों का ध्यान बटाया जब अब्बा और डब्बा पेंटिंग बदल रहे थे। गुड शो। चित्रकार सिंह जी, एक लड़का तो हमारे पीछे ही पड़ गया था। क्या साइकिल चलाता है, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया। कहीं उसे शक तो नहीं हुआ कि तुम लोग नकली लंगूर हो? नहीं चित्रकार सिंह जी, उसे बिल्कुल शक नहीं हुआ। जब तक एग्जीबिशन है, रोज 1-2 ओरिजिनल पेंटिंग ले आओ।
उसकी जगह मेरी बनाई पेंटिंग लगा दो। किसी को पता नहीं चलेगा ओरिजिनल पेंटिंग मिसिंग है। चित्रकार सिंह की चित्रकारी दुनिया पे पड़ेगी भारी। अब्बा डब्बा चब्बा जाओ और पार्टी करो। रेवा देखो, ये वही पेंटिंग है जो कल लड्डू सिंह जी से गिर गई थी, है ना? हाँ, ये तो वही है। कल इस पेंटिंग में स्क्रैच था, आज नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये शिवा, यू आर राइट, स्क्रैच गायब कैसे हो सकता है? कहीं ये किसी ने बदल तो नहीं दी? लड्डू सिंह जी सुनिए, लड्डू सिंह जी कल इस पेंटिंग में स्क्रैच था जो आपने भी देखा था, आज वो स्क्रैच नहीं है। लगता है किसी ने ये पेंटिंग बदल दी है। ओह नो, एक मिनट सर, जल्दी आइए जल्दी। सर, मैं इस पेंटिंग को बड़े गौर से देख रहा था। मैं ओरिजिनल पेंटिंग्स पहचानने में एक्सपर्ट हूँ। मुझे लगता है कि ये डुप्लीकेट है। ओह नो, ये तो नकली है। ये कैसे हो सकता है? पाटिल कुलकर्णी इधर आओ। पैनिक क्रिएट मत करना, किसी को पता ना चले चुपचाप चेक करो कि सब पेंटिंग असली है कि नहीं। जाओ। सर, एक और डुप्लीकेट है। किसी ने दो पेंटिंग बदल दी है, हमें कुछ करना होगा। कुछ मत करिए, किसी को मत बताइए। अगर दो बदली हैं, तो और दो बदलने आएंगे, फिर हम उन्हें पकड़ लेंगे। लड्डू सिंह जी, ये काम उन लंगूरों का ही है। वो ही पेंटिंग बदलने में ट्रेन किए गए हैं। वो दोबारा फिर आएंगे। हो सकता है वो आ गए हो, क्यों ना बाहर जाके चेक करें? गुड आइडिया। लंगूर? कैसे लंगूर? ये क्या माज रहा है? आज इन्हें कुछ चोरी नहीं करने दूंगा। हेलो, हम फिर मिले। क्या हुआ शिवा? वो भाग गए। वो लंगूर नहीं हो सकते, वो इंसानों की तरह सोचते हैं, इंसानों की तरह अटैक करते हैं। कुछ तो राज है, हमें इन्हें पकड़ना होगा। चित्रकार की चित्रकारी दुनिया पे पड़ेगी भारी। जाओ उस लड़के को पकड़ के ले आओ, इससे पहले कि उसे शक हो जाए तुम नकली हो और वो दूसरों को बता दे। जाओ। पूरे घर को तलाशो, जहां भी वो बच्चा दिखे बोरे में बंद करके ले चलो। लंगूर बचाओ बचाओ। लंगूर,
राग लंगूर सुनाता हूँ। ऐसा राग गाऊंगा कि ये मेरे भक्त हो जाएंगे। लंगूर यहाँ आ गए थे। लंगूर और यहाँ? अब तो उन्हें पकड़ने के लिए कुछ और ही करना होगा। लड्डू सिंह जी, आज ये लंगूर मेरे घर तक आ गया है। इसका मतलब ये नकली हैं। अब हमें इन लंगूरों के बॉस तक पहुँचना होगा। मेरे पास एक प्लान है। विदाउट सिटी एग्जीबिशन हॉल में शॉर्ट सर्किट होने से एसी खराब हो गया है, लाइट नहीं है, इसीलिए पेंटिंग एग्जीबिशन अब वीनस सिटी में होगा। कल सब पेंटिंग बाय रोड वीनस सिटी भेज दिए जाएंगे। अब्बा डब्बा चब्बा, ये अच्छी खबर है कि कल जब ट्रक पेंटिंग ले जा रहा हो तो तुम लोग गुलाब के फूलों वाली कैनवास पेंटिंग बदल देना। वो मेरी फेवरेट पेंटिंग है। और बाकी का हम वीनस सिटी की सिक्योरिटी चेक करने के बाद करेंगे। ओके बॉस। लड़का है या मुसीबत, पीछा ही नहीं छोड़ता, यहाँ भी आ गया। चित्रकार की चित्रकारी दुनिया पे पड़ेगी भारी, आने दो। मैं आ चुका हूँ, अब पुलिस भी आती होगी। लंगूर अंकल, अब तो गेटअप उतार दो। संभालना, पेंटिंग को कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, उस पेंटिंग को नहीं टकराना। आ, 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 आ,
जानते भी हो ये पेंटिंग कितनी मेहनत से बनती है? जानते हो ये किस महान कलाकार ने बनाई है? कुछ आइडिया है? इससे लड़ रहे हो? सॉरी, पता नहीं था। मार नहीं खा सकते, सॉरी बॉस। कोई बात नहीं, तुमने कोशिश तो की। चित्रकार सिंह जी, आप एग्जीबिशन से पेंटिंग चुराते क्यों हैं? सिर्फ अपने घर में सजाने के लिए या फिर कहीं बेचने के लिए? मैं चोरी नहीं करवाता, मैं पेंटिंग बदलवा देता हूँ। मेरी बनाई हुई पेंटिंग लगा के ओरिजिनल अपने पास मंगवा लेता हूँ। वाह, आप खुद बनाते हैं वो पेंटिंग्स? यकीन नहीं होता, पहचानना ही मुश्किल है कि कौन सी ओरिजिनल है और कौन सी फेक। फिर ये सब क्यों करते हैं? चोरी तो फिर भी आप करवा ही रहे हैं ना? कुछ साल पहले की बात है, मेरी पेंटिंग को एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन में रखने से मना कर दिया क्योंकि मैं नया पेंटर था और वह सब बड़े पेंटर्स की पेंटिंग लगानी थी। मैं वो अपमान सह नहीं पाया। तब से आपने लोगों को ये बताना शुरू किया कि आप कितने महान पेंटर हैं। कोई आपकी पेंटिंग और ओरिजिनल पेंटिंग में फर्क नहीं बता सकता। यस, आज पूरी दुनिया में ना जाने कितनी मेरी पेंटिंग्स घूम रही है। उनको बनाने वाले को भी नहीं पता कि उसकी बनाई पेंटिंग मेरे पास है। आप जैसे महान चित्रकार को तो मैं सैल्यूट करता हूँ। काश ये इज्जत मुझे पहले मिली होती तो मैं ये सब नहीं करता। मैं पेंटर हूँ, चोर नहीं। मैं चाहता हूँ दुनिया जाने कि मैं कितना अच्छा पेंटर हूँ। सर, हम एक एग्जीबिशन सिर्फ आपके लिए लगाएंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि आप कितने महान पेंटर हैं। क्यों लड्डू सिंह जी? ओ यस यस यस, लेकिन अभी तो आपको जेल जाना होगा। मैं आपकी सजा कम करवा दूंगा ताकि आप बाद में आराम से सिर्फ पेंटिंग करो और ओरिजिनल पेंटिंग करो, समझे? थैंक यू वेरी मच। चित्रकार जी, ऐसी पेंटिंग बनाना कि फिल्म वाले मेरी ये फोटो देख के मुझे हीरो बना दे।